महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद सियासी नाराजगी सामने आने लगी है। पार्टी ने अब तक 121 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पार्टी की दूसरी लिस्ट पर गौर करें तो केवल एक महिला उम्मीदवार है। नासिक मध्य से पार्टी ने देवयानी सुहास फरांदे को बीजेपी ने दोबारा मौका दिया है, जबकि सूची में 3 अनुसूचित जनजाति 2 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। दूसरी सूची में मुंबई महानगर के एक भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। इसके साथ ही बीजेपी ने ताजा सूची में 2 सिटिंग विधायकों की टिकट काटी है। इनमें गढ़चिरौली से बीजेपी ने 2 बार के विधायक रहे डॉक्टर देवराव होली का टिकट काटा और एक नया चेहरा मिलन नरोते को टिकट दिया है। सोलापुर से सिटिंग विधायक राम सातपुते का टिकट काट दिया गया है। अमरावती के मेलघाट के सिटिंग विधायक राजकुमार पटेल को झटका लगा है। बीजेपी ने इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी ने एनसीपी से बीजेपी में आए केवलाराम काले को उम्मीदवारी दे दी है। इस बीच मायूती सीट शेयरिंग पर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि बीजेपी और मायूती का ज्वाइंट मैनिफेस्टो होगा। इस बीच बावनकुले ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को महिम सीट पर समर्थन देने के सवाल पर कहा कि राज ठाकरे मित्र हैं, विधानसभा में हमारे साथ नहीं। उनके बेटे को लेकर पार्टी में कोई प्रस्ताव आएगा तो चर्चा करेंगे, निर्णय लेंगे। फिलहाल अभी महिम सीट लड़ने का विचार है। इस बीच दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद मायूती में भी नाराजगी की खबर है। नवी मुंबई के एरोली से बीजेपी के गणेश नाइक उम्मीदवार हैं, लेकिन शिंदे गुट के विजय चौकले उम्मीदवारी चाहते थे। अब उन्होंने निर्दल लड़ने की तैयारी की है। बहरहाल सूत्रों के हवाले से खबर है कि मायूती में अब भी इन 11 सीट पर पेच फंसा है। इनमें वर्सोवा, मीरा भाईंदर, फल्टन इत्यादि वरुण मोर्चे की सीटें शामिल हैं।